हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी स्टार क्लासेस। तो हमने जो है केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, जो कि है क्लास 9 का, और हम पढ़ रहे थे फाउंडेशन साइंस केमिस्ट्री से, जो कि AK सिंह ने लिखी है। तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो पिछली दो वीडियो से हमने जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ना शुरू किया था। तो हमने जो है लिक्विड और सॉलिड को जो है कवर कर लिया था। तो लिक्विड जो हमारा पार्ट था, उसमें एक चीज़ छूट गई थी, जो कि थी बॉइलिंग पॉइंट। तो उस बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? तो जब वाटर जो है हमारा एक लिक्विड है, ठीक है, तो जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस टेम्परेचर में ये कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए जो है वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस में, ओके 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही है। तो चलिए अब आगे हम गैस के बारे में जानते हैं। तो गैस के बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ चीज़ें बता देता हूँ, जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको जो है गैस का एक आइडिया मिल जाएगा कि गैस कैसा होता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि गैस के इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में, फोर्स के बारे में, उसके बाद उसके और भी कई चीज़ों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो गैस जो है वो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। पहले दो स्टेट क्या है? पहला तो हमारा सॉलिड है, दूसरा हमारा लिक्विड है। तो गैस जो है हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। और जो हम इस वीडियो में गैस के बारे में डिटेल में जानेंगे वो चीज़ है शेप एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, प्रेशर एग्जर्टेड ऑन गैस। तो चलिए गैस के शेप और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। तो गैस का जो शेप और वॉल्यूम है वो मतलब होता ही नहीं है। गैस नाइदर have a fixed shape nor have a volume। गैस का जो है शेप भी नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता है, पर गैस जो है वो है ऑक्यूपाई जो है स्पेस करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि जब भी आप एक बलून को लीजिएगा और उसमें आप हवा भरिएगा तो वो फूल जाएगा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जानते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में जानते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो है पानी में डूबने की क्षमता को हम कहते हैं डेंसिटी। तो गैस की जो डेंसिटी है वो बहुत लो होती है। गैस की डेंसिटी क्या है? बहुत लो होती है। और एक और प्लस जो पॉइंट है वो है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले उसके कंपैरिजन में भी कम होती है, यानी कि जो गैस की पानी में डूबने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। तो चलिए अब आगे जानते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। तो गैस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर के बिलो में होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है उसके बिलो में गैस मेल्ट या बॉइल करता है। जैसे कि मान लीजिए जो रूम टेम्परेचर है हमारा वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो गैस जो है हमारा मेल्ट या बॉइल इसके नीचे ही करेगा, मतलब इससे कम टेम्परेचर में करेगा मेल्ट या बॉइल। तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब चलिए जानते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी जो है दबने की क्षमता को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज कितना दब सकती है उसको हम उसकी क्षमता को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ बलून का। बलून में आपने गैस भरा तो
तो बलून कितना कॉम्प्रेस हो सकता है उसी को हम कहेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो गैस की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई। क्या मतलब कि जो दबने की क्षमता है गैस की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है और गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। तो चलिए अब जानते हैं हम इफेक्ट ऑफ हीट एंड हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में। तो हीटिंग मतलब कि जो हीटिंग का इफेक्ट है, हीटिंग एंड कूलिंग, गैस को जब हीट किया जाता है या कूल किया जाता है तो क्या होता है ये अब हम समझेंगे। तो गैस को जब हीट किया जाता है तो उसका जो पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए वो एक फिक्स डिस्टेंस में है, यानी कि एक थोड़े से डिस्टेंस में, पर जब उसे हीट करेंगे हम तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्सपैंड हो जाएगा हीट करने पे, तो इसको हम कहेंगे हीटिंग। कूलिंग क्या है, मान लीजिए जो पार्टिकल्स है उनका डिस्टेंस इतना है, तो जब हम उन्हें कूल करेंगे तो उनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ कूलिंग, और ये है इफेक्ट ऑफ हीटिंग। तो ये आप समझ ही गए होंगे। और गैस को हीट करने में जो है उसके पार्टिकल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, मतलब कि जो है उनमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड में मूव करने लगते हैं। वहीं पे जब हम गैस को कूल करते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आ जाते हैं, मतलब पास आ जाते हैं एक दूसरे के, और जो उनका मूवमेंट स्पीड है नॉर्मल से लो हो जाता है, मतलब नॉर्मल जितना स्पीड है उससे उसका जो स्पीड है वो लो हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो चलिए जानते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन जो है एक चीज का दूसरे चीज से मिलना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। मान लीजिए हमने एक गिलास पानी ले लिया, ये मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक गिलास हमने पानी ले लिया, ओके। अब इसमें जो है हमने एक टेबल स्पून जो है कलर मिला दिया, कलर ऐड कर दिया, तो जो है कलर इज डिफ्यूज्ड इन द वाटर, मतलब कलर जो है वाटर में डिफ्यूज कर गया यानी कि मिल गया, तो इसी को कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है गैस का गैस में मिलना को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। मान लीजिए परफ्यूम तो आप जानते होंगे, तो परफ्यूम क्या होता है, गैस होता है, तो जब आप उसे स्प्रे करेंगे, मतलब कि जब आप उसे स्प्रे करके बाहर निकालेंगे तो जो परफ्यूम हमारा गैस है वो एयर यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में मिल जाएगा, तो यानी परफ्यूम जो है वो एयर में डिफ्यूज हो गया। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो मैं आपको सब चीज इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैस के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन ये एक टाइप का प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया दूर दूर में रहते हैं, तो जब हम इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं यानी कि कोई भी चीज से इसे कंप्रेस करते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं, तब इसके पार्टिकल्स जो है पास पास में आ जाते हैं, मतलब क्लोज आ जाते हैं। और अगर हम उसी वक्त टेम्परेचर को भी कम कर दे, टेम्परेचर को भी कम कर दे और प्रेशर को जो है इंक्रीज कर दे, तो जो है लिक्विड में यानी कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन।
तो उम्मीद करता हूँ आपको कंडेंसेशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए जानते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस क्या होता है? तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस एक फोर्स है जो कि एक गैस अप्लाई करता है जब वो एक कोई एरिया में पैक्ड रहता है। गैस जो है अप्लाई करता है जब कोई एक एरिया में, मान लीजिए गैस को मैंने एक कंटेनर में बंद कर दिया है, तो जो फोर्स कंटेनर के अंदर पैदा कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रेशर का जो है यूनिट वो होता है पास्कल। क्या मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बता दिया, इसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे फिर एक अगले चैप्टर केमिस्ट्री का अगले चैप्टर क्लासेस ऑफ मैटर में। तो उसके लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, टाटा, गुड बाय।